अच्छा है कि आप पुत्र के रूप में अपनी जगह को ले ले, जान ले कि यह आपकी विरासत है, कि आपका जन्म का अधिकार है, कि आप पुत्र है और कोई इसे नहीं बदल सकता। आपके पाप भी इसे नहीं बदल सकते, कोई इसे नहीं बदल सकता। परमेश्वर के साथ में पुत्र के रूप में चले, जब आप उसके साथ पुत्र के रूप में चलेंगे तो आपसे बात करेगा, खुद को आप पर प्रकट करेगा, अपने विचार प्रकट करेगा, आपके लिए अपनी इच्छा और अपने उद्देश्य को बताएगा। देखिए इब्रानियों अध्याय एक, चलिए वचन एक से पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यीशु के बारे में कहता है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। क्या आपने सुना, जिसे परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजा और उसे सारी चीजों के ऊपर में वारिस ठहरा दिया। वो मालिक है सारी बातों पर, सारी चीजों का वो वारिस है। अब हम यहां पर कैसे आते हैं, हम कैसे मालिक हो जाते हैं? देखिए रोमियो अध्याय आठ, और चलिए पढ़ते हैं वचन 16 से। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब यहां पर इस समय हमारे बारे में कहता है कि हम वारिस हैं। इब्रानियों एक कहता है कि यीशु सारी वस्तुओं का वारिस है। यहां हमें बताया गया कि हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं, यानी हर एक चीज जिसका वो वारिस है आप उसके साथ में संगी वारिस हैं। आप उन सारी चीजों के संगी मालिक है जिसका यीशु मालिक है। ठीक है, हेलो,
आप समझ रहे हैं, हमें इस मालिक होने के विचार को अपने मन में लेना है। मैंने आपको वारिस होने के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि भंडारी होने का विचार इतना सिखाया गया है कि मालिक होने को छोड़ दिया है, तो लोग खुद को यहां पर भंडारी समझते हैं, मालिक नहीं। भंडारी चाहे कितना भी अच्छा हो जाए वो मालिक नहीं होता, मालिक तो मालिक है। देखिए, शायद आपके घर में अच्छा भंडारी हो, उससे कहें कि सब कुछ अच्छे से रखे, सब कुछ साफ रखे। ज्यादातर समय वो काम जो करेगा वो केवल देखने के लिए होगा, यानी आपके सामने वो काम करते रहेंगे कि आपको खुश करे ताकि उन्हें तनख्वाह मिल सके। देखिए, मालिक अलग होता है, वो वहां तनख्वाह के लिए नहीं है, ये उसकी संपत्ति है, वो इसकी रक्षा करना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है, वो उसका मूल्य जानता है, वो मालिक होने को महसूस करता है। यानी इसलिए कई बार जब हम लोगों को बताते हैं कि हमारा घर साफ कीजिए तो हमें उनके पीछे रहना पड़ता है, कहते हैं यहाँ पर ये करो वहाँ पर वो करो, हमें उनके पीछे पड़े रहना पड़ता है कि उनसे सब करवाए, क्योंकि अगर आप उनको नहीं देखे तो वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके पास मालिकाना विचार नहीं। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ, कोई आया और वो तो बिना लॉक लगाए घर से चले गए, वो उनका अपना घर नहीं है जानते, ऐसे चले जाते, अगर पूछे तो कहते ओ मैं भूल गया। वो लाइट भी बंद नहीं करते हैं, एसी भी ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए दाम नहीं देते, वो इसके बारे में जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, होटल में भी जाए तो उसको बंद नहीं करते, क्योंकि कहते हैं होटल वाले करेंगे, मैंने इसके लिए पैसा दिया है। लेकिन मैं सबका वारिस हूं, मैं सभी चीजों का मालिक हूं। जब मैं होटल में रहता हूं मुझे लगता है मैं उसका मालिक हूं। मैं लाइट बंद करता हूं, एसी ऑफ करता हूं, सब कुछ ऑफ करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस पूरे संसार का मालिक हूं, मुझे सबकी देखभाल करनी है, मैं गलत उपयोग नहीं कर सकता, मैं ऐसी बस लात मार के दूर नहीं कर सकता। जिम्मेदारी महसूस होती है, लोगों में मालिक होने का भाव नहीं है, इसलिए वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जानते हैं, कुछ भी उन्हें दे, उनके हाथों में कार दे तो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। एक भाई थे, हमने उन्हें मोटरसाइकिल दी, कहीं दूसरी जगह पर हमारा एक और ऑफिस था, हमारे लिए काम कर रहे थे तो मोटरसाइकिल दी, वो मोटरसाइकिल पर आते नीचे नहीं उतरते थे, वो 3-4 सीढ़ियों पर अपनी मोटरसाइकिल चलाकर आते। विश्वास नहीं होगा, ऐसे ही किया। एक दिन वो पकड़े गए। मैं वहां था, उन्हें पता नहीं था, मैंने देखा वो सीढ़ियों पर गाड़ी चलाकर आ रहे हैं। वो कभी शेड में पार्क नहीं करते थे, उसकी सफाई नहीं करते थे। जब मैंने देखा तो कहा, इसकी सफाई क्यों नहीं करते हो तुम? क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ये उनकी है, उन्हें लगता है हाँ चर्च ने मुझे दिया है तो मैं क्यों इसकी परवाह करूं, ये पुरानी हो जाए तो इसे फेंक देंगे और मेरे लिए दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे, उन्हें दूसरी खरीदने दो, ये मनोदशा होती है। यहां जिम्मेदार महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वो मालिक नहीं है। जिस पल आप अपने मालिक होने के बारे में सचेत हो जाती हैं, आप में मालिक होने का भाव होता है, तो आपका पूरा व्यवहार बदल जाता है। प्रभु की बातों के बारे में भी ऐसा ही है, आप मालिक हैं, सारी चीजों के वारिस हैं। आमेन। ठीक है, एक और वचन देखिए, यहां पर मैं कुछ बता रहा हूं ताकि मैं आपको आगे जाकर कुछ समझा सकूं। हम इस यात्रा में हैं, गलातियों 4:1। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वो सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। अब उन दिनों में उनके घर में गुलाम हुआ करते थे कि बच्चों की देखभाल करे और घर में काम करे। जब ये दास कहता है तो ये गुलाम के बारे में कह रहा है। जो वारिस है जब तक कि वो बालक है, वो तो दास से बिल्कुल अलग नहीं होता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि गुलाम के पास कुछ नहीं, वो किसी का मालिक नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, वो जीरो है, उसके पास कुछ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं, वो वहां पर है, कुछ काम करता है, बस यही गुलाम यही होता है, वो कोई नहीं। एक बालक जो कि सारी चीजों का वारिस है, वो गुलाम के जैसे ही कहता है। किस तरह से? क्योंकि वो बालक इस बात को नहीं समझता है कि उसका क्या क्या है। उसके पास शायद बहुत कुछ हो, लेकिन उसके बारे में ये समझ नहीं कि उसके पास में क्या है, उसके पास में कितना क्या है, उसका मूल्य क्या है, कि ये सारी चीजें मेरे डैडी की हैं और ये मेरी हैं, मैं इसका मालिक हूं, इस तरह नहीं देखता, क्योंकि वो अब तक बड़ा नहीं हुआ है, वो इस बात को नहीं समझता है। जब तक कि वो बालक है, यानी जब तक कि बड़ा होकर इस बात को वो समझ न ले,
वो बस एक दास के जैसे है। जानते हैं, वो दास के जैसे है, उसकी मनोदशा दास के जैसे है, क्योंकि उसके पास में मालिक होने का भाव नहीं है। अब इसका उदाहरण एक कहानी में अच्छे से बताया है। यह विख्यात कहानी है, यीशु ने खुद इसे बताया है। लूका अध्याय 15 देखिए, मुझे यही बताना है। लूका अध्याय 15 और वचन 11, ये तो उड़ाव पुत्र की बहुत ही विख्यात कहानी है। उड़ाव पुत्र, किसी ने कहा यह उड़ाऊ पुत्र नहीं, ये तो उड़ाऊ पिता है कि ये उसका बेटा जो कि पूरी तरह से बेकार था, लेकिन जो पिता है वो तो उड़ाऊ मतलब बहुत ही उदारता से देता है, यानी आजाद उदारता से। ये बेटा तो उड़ाऊ था क्योंकि उसने जाकर पूरा पैसा ऐसे ही बिना किसी विचार के खर्च किया। जानते हैं, बस ऐसे ही खर्च किया, इसलिए उड़ाऊ है। वो इसे कहते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी, कुछ लोग इसे उड़ाऊ पिता की कहानी कहते हैं, क्योंकि पिता ने परवाह नहीं की कि बेटे ने कितने पाप किए। वो उदारता से उस पर अपना प्रेम उंडेलता है, चाहे वो कितना भी बुरा हो फिर भी वो उससे प्रेम करता था और उसने उसे स्वीकार किया। चाहे जो भी हो, चलिए इसे पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ बहुत से नए लोग हैं। मैं जानता हूं कुछ चर्च में एक साल में 20 बार इस पर सुनते हैं, लेकिन यहां पर बहुत से नए लोग हैं इसलिए हमें इसे पढ़ना होगा। मैं आपको यहां पर कुछ बातें बताऊंगा क्योंकि ये आपको विवरण से बताएगा कि पुत्र क्या है, संतान क्या है, हमारे वारिस होने को समझना है। ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दीजिए, मतलब जो मेरा भाग है वो मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, वो सब इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में जीना है तो बहुत दूर जाना होगा, ठीक है, विदेश में जाना होगा जहां कोई आपको नहीं देखता, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, पार्टी और जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसने सोचा, मैं अपने जीवन का पूरा आनंद उठाऊंगा, मैं तो पूरे दूसरे देश में जाऊंगा और कुकर्म में जीऊंगा। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। देखिए, वो पिता के साथ रहता था, पिता के साथ जुड़ा था, उसका स्रोत तो उसका पिता ही था, भोजन की चिंता नहीं थी, जरूरतों की चिंता नहीं थी, वो बहुत ही धनी घर में जी रहा था। अपना भाग लिया, सब कुछ बर्बाद किया, सब कुछ खो बैठा। उस देश में अकाल पड़ता है तो वो जाकर उस देश के किसी निवासी के साथ में जुड़ जाता है। देखिए, मनुष्य सुरक्षा चाहता है, वो खुद को जोड़ना चाहता है, किसी के साथ में जोड़ना चाहता है जिसे वो स्रोत के रूप में देखता है। सोचता है, ओ ये मेरी देखभाल करेगा, ये मुझे रहने की जगह देगा, तनख्वाह देगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, यही तो वो बात है। वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे उससे वो अपना पेट भरे। देखिए, मतलब वो चाहता था, इच्छा रखता था कि वो उन फलियों को खाते जाएं जिन्हें सुअर खाते थे, क्योंकि अकाल था, कोई भोजन नहीं था और वो सुअर का भोजन खाने के लिए तैयार था और उसे कोई कुछ नहीं देता था। वो भी उसे कोई नहीं देता था, मतलब शायद इसने जाकर उनसे पूछा होगा, मैं क्या सुअरों का वो भोजन ले सकता हूं, तो शायद उन लोगों ने कहा होगा, मेरे सुअर क्या खाएंगे। संसार ऐसा ही है, ये खुद संसार का पाठ सीख रहा है। जानते हैं संसार कैसा है, कोई भी किसी को कुछ नहीं देता है, संसार ऐसा ही है। अगर आपने अब तक इसके बारे में पता नहीं किया तो जल्दी ही पता लग जाएगा उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब ऐसे दिखाई दे कि शायद कोई किसी समय किसी को कुछ देता है, लेकिन जब ऐसा समय आता है जहां पर अकाल पड़ता है या सब कुछ मुश्किल होता है, तब लोग तो सबसे पहले खुद की देखभाल करेंगे और वो दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि संसार पाप पर आधारित है। ये गिरा हुआ संसार है, स्वार्थ पर आधारित है, मैं पहले। संसार ऐसा ही है, मैं पहले खुद की देखभाल करूंगा, बाकी सब कुछ बाद में। संसार ऐसा ही है। किसी ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्या यह अजीब नहीं, पहली बार बड़ा पाठ सीख रहा था। ये संसार ऐसा ही है। मैं सोचता हूं आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पाठ सीखना चाहिए। बहुत से लोग अपने चाचा पर भरोसा करते हैं, मामा पर,
और किसी धनी पर, सोचते हैं वो मेरे लिए कुछ करेंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया और मैं इस पर आशा करता हूँ, उन पर आशा करता हूँ, मैं बताऊँ वो कभी पूरा नहीं होगा। आपको निराश करने के लिए माफ़ करना, आप चर्च में मुझसे ये सुनने के लिए नहीं आए कि आपके चाचा आपकी मदद करेंगे, नहीं। मैं आपको बताऊं कि आपके चाचा से भी बेहतर कोई है, एक ही व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह है। केवल वही आपकी मदद कर सकता है। आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे उस पर आधारित होकर, कभी आंसुओं में नहीं होंगे, आपको भुलाया नहीं जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। वो आपकी मदद के लिए हमेशा आएगा, जब कोई नहीं आता है उस समय वो हमेशा आएगा। गौर से सुनिए, उसे कोई कुछ नहीं देता था, ये वचन 16 है, और वचन 17 इस तरह से शुरू होता है, जब वो अपने आपे में आया केवल तभी उसका मन साफ हुआ। उसने कहा, मेरे प्रभु, अब मैं समझा मेरे पिता के घर को वो कितना अच्छा है और संसार कैसा है। जब वो अपने आपे में आया तब उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूख से मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अब यहां पर चलिए मैं आपको बताऊं, देखिए वो क्या कहता है। उसने पाप किया, सब कुछ खो बैठा, इतना नीचे आ गया कि सुअर का खाना खाता है, कोई नहीं देता है, मन साफ होता है, पिता के घर के बारे में सोचता है कि पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, कहता है यहां क्यों रहूं, पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, नहीं, अब मुझे अपने पुत्र के रूप में नहीं मानना, मुझे अपने नौकर के रूप में रख लेना। अब शैतान चाहता है कि बहुत से लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं ये दास के रूप में। हेलो, उसे कोई परवाह नहीं, आप प्रभु के साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन चाहता है कि आप दास हो। यानी ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं आपको अभी बता देता हूं, वो कहेंगे सैम चिलदराई की ये सारी बातें मत सुनना, वो कोट और सूट ये सब पहनते हैं, कहते हैं कि हम बेटे हैं और हम वारिस हैं, सौभाग्य और अधिकार के बारे में कहते, ये सब बेकार है, लेकिन हम परमेश्वर के नम्र दास हैं, हम परमेश्वर के गुलाम हैं। मैं अभी आपसे कहता हूं, वो आपसे ये कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, बाइबल हमें पुत्र कहती है, और अगर आप पुत्र हैं, आपने नया जन्म पाया, हो सकता है कि आप दूर चले गए, आपने पाप किया हो, आपने जीवन में गड़बड़ी की हो, प्रभु ने आपको जो दिया उसे आपने बर्बाद कर दिया, आपने पूरे जीवन में गड़बड़ी की है, लेकिन जब आप प्रभु के पास में वापस आते हैं मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके और पुत्र के रूप में दिखता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। पुत्र कैसे दास हो सकता है, लेकिन शैतान हम इस तरह से सिखाता है कि जाकर दास जैसे जुड़ जाओ, दास बन जाओ, पुत्र नहीं, अपने पिता के घर में दास के जैसे जुड़ जाओ। क्या विचार है ये। और देखिए, दास और पुत्र में बड़ा फर्क होता है। मैं सोचता हूं बहुत से विश्वासी लोग दास के जैसे काम करते हैं, क्योंकि जब मैं उन्हें देखूं तो ये ऐसे ही दिखाई देता है। दास और पुत्र में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है, मैं आपको एक फर्क बता दूं। दास अपने मालिक या बॉस के मन को नहीं जानता है, वो दिलों को नहीं जानता है, वो तो विचारों को नहीं जानता है, क्योंकि जो मालिक हैं वो गुलामों को ये सारी बातें नहीं बताता, वो उनके साथ बैठकर इस पर चर्चा नहीं करता, वो बैठकर अपने दिल की बात उन्हें नहीं बताता, वो उनसे बातचीत नहीं करता है, बस काम की आज्ञा देता है। लेकिन पुत्र के सामने पिता अपने दिल को खोल देता है, पिता सब कुछ बांटता है, पिता सब कुछ प्रकट करता है, सब कुछ बताता है। बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, वो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं, नहीं जानते प्रभु उनके जीवन के लिए क्या चाहता, वो नहीं जान पाते, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में उसके दास के रूप में चलते हैं, परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं। अच्छा है कि आप पुत्र के रूप में अपनी जगह को ले ले, जान ले कि यह आपकी विरासत है, कि आपका जन्म का अधिकार है, कि आप पुत्र है और कोई इसे नहीं बदल सकता, आपके पाप भी इसे नहीं बदल सकते, कोई इसे नहीं बदल सकता। परमेश्वर के साथ में पुत्र के रूप में चले, जब आप उसके साथ पुत्र के रूप में चलेंगे तो आपसे बात करेगा,
खुद को आप पर प्रकट करेगा, अपने विचार प्रकट करेगा, आपके लिए अपनी इच्छा और अपने उद्देश्य को बताएगा। आमेन। प्रभु के साथ में चले उस स्तर पर मेरे दोस्तों, इससे कम का क्यों चाहिए? शैतान बताता है, नहीं नहीं, तुम पुत्र होने के लायक नहीं हो। देखो कितनी गड़बड़ी की है, ये सब कुछ देखो जो तुम्हारे जीवन में हुआ है। अच्छा है कि दास बन जाओ लेकिन पुत्र नहीं। आप शैतान से कहें कि अपना सामान लेकर चला जाए, क्योंकि आप उससे कहें कि परमेश्वर आपको अपना पुत्र कहता है। आकाश और पृथ्वी में से कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पुत्र कहा है। आमेन। चलिए आगे पढ़ते हैं। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वचन 20, वो अभी दूर ही था यहां पर, इस पर गौर कीजिए। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये तो सच में उसे चौंकाने वाला होगा, क्योंकि वो घर की ओर आ रहा था और पिता ने देखा जैसे वो आ रहा था दूर से ही, यानी पिता राह देख रहा होगा। वो हर रोज खड़े रहकर उसकी राह देख रहा होगा कि ये लौट आएगा। वो जानता था ये बड़ी गड़बड़ी करेगा, वो जानता था सारा पैसा खो बैठेगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। वो जानता था वो वापस आएगा, तो वो राह देखता है उसे आते हुए देखता है। वो बड़े प्रेम से उसके पास में आता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है, और ये लड़का शायद पूरी तरह से चौंक गया होगा। देखिए, बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम के संदेश से चौंक जाते हैं। वो प्रेम के परमेश्वर को नहीं जानते, वो बस जानते हैं ऐसा परमेश्वर जो नरक में भेजता है, ऐसा परमेश्वर जो दंड देता है, ऐसा प्रभु छड़ी लेकर बैठता है जो हमेशा तैयार होता है कि गलती करते ही एक सिर पर मारे। इस तरह के प्रभु के बारे में सुना, उन्होंने प्रेम के परमेश्वर के बारे में कभी नहीं सुना। हमारा परमेश्वर प्रेम का प्रभु है, यही कहानी है। गौर से सुनिए। पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो पिता से कहता, मैं योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखे पिता ने क्या कहा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। पिता ने नहीं सुनी इस लड़के की कोई भी विनती। जानते हैं, उसने कभी ये सुनना नहीं चाहा कि बेटा कहे कि मुझे पुत्र नहीं होना है, मैं बस दास होना चाहता हूं। लेकिन पिता ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उससे पुत्र जैसे व्यवहार किया। परमेश्वर हमसे हमेशा पुत्र जैसे व्यवहार करता है, और अच्छा है इसे समझ ले और इसके अनुसार करने लगे। Says his kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. To the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you'll be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Oh, ancient of days. Everybody, join with me, clap, right? Thank you.
sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you'll be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you'll be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days.